तो क्या आपको भी लगता है कि जैपनीज लैंग्वेज टफ है सीखना? तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ टफ है। वो इसलिए कि यार अगर दुनिया की जो सबसे टफ लैंग्वेज है उसमें से जैपनीज भी आती है, जो कि तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और इसको सच में यार सीखना थोड़ा सा टफ है। पर जो भी काम अगर शिद्दत से करते हो ना, दिल से करते हो, तो कोई भी काम मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। तो टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई यहाँ पे है। तो मैं आपको आज ऐसी टॉप 3 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं आप अपने अंदर, गारंटी लेता हूँ कि आप 5 से 6 महीने में जैपनीज लैंग्वेज सीखेंगे। वो इसलिए कि मैंने खुद ये चीज अप्लाई किया, और जो लोग यहाँ पे 2 साल 3 साल से रह रहे थे इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पाए, जो मैंने 6 महीने में जैपनीज लैंग्वेज बोली, मीन्स मैं इतना सीख गया था कि मैं अपनी बात किसी को बोल सकूं और किसी की बात समझ सकूं। और अभी भी डे बाय डे इम्प्रूव करता हूं, सोचता हूं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इम्प्रूव करता हूं और डे बाय डे न्यू वर्ड सीखता रहता हूं। हाँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती, बट इतनी आती है कि अपनी बात किसी को बता पाता हूं और जैपनीज जो मुझसे कुछ बोलना चाहता है उसके बाद समझ लेता हूं। और मुझे लगता है इतनी ही सीखनी चाहिए। तो वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्लीज चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट भी करना। मेरी कुछ गलतियां जो हैं, जो आपको मेरी कुछ गलतियां लगती हैं, जो मिस्टेक लगती हैं, तो प्लीज वो मुझे फाइंड आउट करके बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाजी में माशो। तो देखो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है ना, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिल्डअप करना। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहां से आएगा कैसे आएगा ये नहीं पता होता, आपको अंदर से लाना पड़ता है उस इंटरेस्ट को। मैं अगर अपनी बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं जापान आया था 2019 में, तो जब मैं जैपनीज लैंग्वेज सीखने स्कूल पे गया, तो एक दिन दो दिन तो अच्छी अच्छी बिल्डिंग देख के सब कुछ देख के मजा आ रहा था कि यार वाह क्या कंट्री है, मजा आएगा यहाँ पे। बट जैसे स्कूल जाने लगे, लैंग्वेज सीखने लगे, तो भाई साहब मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी यार। मुझे लगता था यार कहाँ पे आ गया ऐसी कंट्री में जो कि कुछ समझ ही नहीं आता, कैसे सरवाइव करेंगे। किसी इंग्लिश कंट्री में गए होते तो मजा आता है क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग से हम पढ़े होते या सुनते रहते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। जो लेसन होते हैं वो 10 से 12 लेसन मेरे ऐसे ही निकल गए। मेरे जो होमवर्क में दूसरे से कॉपी करके सबमिट करता था, तो ऐसे अचानक एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार ये कब तक चलेगा। एक्चुअली जिससे मैं होमवर्क कॉपी मंगाता था, तो कभी कभी वो लेट आता था, कभी कभी आता नहीं था, तो कभी बैड फील होता था कि यार कि कल मैं क्या करूंगा। वो इसलिए मेरे साथ हो रहा था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो मैं नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक से मुझे एक दिन गया बीच में और काफी ज्यादा सोचा, 2-4 घंटे के बाद सोचने के बाद फिर डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे यार। तो फिर मैंने अपना इंटरेस्ट बनाया और लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया। अंदर अपने सोचा, दिल से सोचा, दिमाग से सोचा कि यार नहीं सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। फिर मैंने इंटरेस्ट बिल्ड किया। 10 लेसन तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया, जैसे मैंने अपना इंटरेस्ट बिल्ड किया वैसे मुझे 11वें लेसन से इतनी अच्छे से लैंग्वेज समझ में आई कि मैं 11वें लेसन के बाद मैं खुद अपना जो होमवर्क 10 लेसन तक कॉपी करता था, 11वें लेसन से मैं किसी और को देने लगा कॉपी करने के लिए। पे सबसे पहला नंबर यही आता है कि आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो अब जो नंबर दूसरे में आती है, तो आपको पता होगा कि जब हम कोई काम करते हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो अलग, और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। तो जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा स्कूल में तो उसको आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल मीन्स कि आपको कन्वर्सेशन करनी है। आपको स्कूल में तो मिलेंगे कन्वर्सेशन करने के लिए, मीन्स आपको टीचर, बट आपके जो क्लासमेट होंगे तो वो आपको अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। तो वहां पे थोड़ा सा आपका जो कन्वर्सेशन लेवल आप इम्प्रूव करना चाहते हो वो वहां पे नहीं हो पाता। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे कि देखो, स्टार्टिंग में आपको बोलूंगा कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि यहाँ पे लोग करते क्या है कि जब वो आते हैं आते ही काम काम जॉब करने लगते हैं तो बिजी हो जाते हो काम पे, वो फिर लैंग्वेज लैंग्वेज का ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका शायद मोटिव यही होता है कि हमें काम करना है, हमें खच्चर वाली लाइफ जीनी है। अगर आप फ्यूचर चाहते हैं तो वो खच्चर वाली लाइफ आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने लिए टाइम देना होगा। तो आप अपने लिए टाइम निकाल के आप बाहर जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। मैं भी ऐसे करता था, मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता था
और सैटरडे टू संडे मैं 2 दिन पूरे बीच में समुद्र में जाता था। वहाँ पे काफी लोग जैपनीज आते थे, उनसे बातें कर, जो भी मुझे छोटी मोटी टूटी फूटी लैंग्वेज आती थी मैं उसको यूज करता था और मुझे सीखने को मिलता। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमें हिंदी अच्छे तरीके से आती है, अगर कोई जैपनीज हमसे हिंदी बोलेगा वो जैसे भी टूटी फूटी बोलेगा, जोड़ के जैसे भी बोलेगा, वो इसलिए हमें समझ आती है बिकॉज हमारी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है, वो जैसे भी बोलता है हमें समझ में आ जाती। तो सेम ऐसे ही होता है जब आप जैपनीज लैंग्वेज सीखते हो, जैपनी किसी से बात करते हो तो जैपनीज तो उसकी ऑब्वियसली लैंग्वेज उसकी मदर टंग है तो उसे आती है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो टूटा फूटा जो भी बोलते हैं उसको समझ में आता है। अब जब उससे रिटर्न आता है, मतलब जब हम गलती करते हैं तो वो रिटर्न में सही भी करते हैं, सेम हम भी वही करते हैं। तो हम उनसे जो सही होता है उसको आपको कैच करना होता है कि यार हाँ मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ये बोला तो इसका मतलब ये वर्ड सही है। तो उसको कैच करें, जब भी किसी से बात करें आप बात मुंह से करें पर दिमाग में सोच के करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मुझे रिप्लाई मिल रहा है, मैंने क्या गलती की और क्या सही होना चाहिए। तो आपको कन्वर्सेशन जरूर करनी पड़ेगी, इसके अगर कन्वर्सेशन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे तो आप जैपनीज लैंग्वेज कभी भी नहीं सीख पाओगे। जैपनीज नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो नहीं सीख पाओगे। तो ये जरूर ध्यान देना, आपको जितना भी स्कूल में पढ़ते हो उसको आपको प्रैक्टिकली यूज करना है, ठीक है। मैं सच में सैटरडे संडे जाके पूरा दिन 12 बजे से जाके 5-5, 7-7 बजे वापस आता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार यहाँ पे अगर अच्छी जॉब करनी है तो आपको जैपनीज सीखनी पड़ेगी। और उस जैपनीज के सीखने के लिए मैं अपने आप को टाइम देता था, घूमने फिरने जाता था। तो अगर आप अपने लिए टाइम देंगे, जैपनीज लोगों से बात करेंगे तो आप जैपनीज लैंग्वेज जल्दी से सीख पाएंगे। अब जो तीसरे नंबर पे आता है वो है पढ़ाई। अब आप बोलोगे यार ले ये क्या बात हुई, पढ़ाई कौन करना चाहता है, बट मैं जो तरीका बताऊंगा आपको पढ़ाई का, सच में आपको मजा आएगा पढ़ के। जो मैं भी ऐसे पढ़ता था जैसे कि नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ता था, मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पढ़ता था, सब भूल जाता, जितना भी पढ़ता था सब भूल जाता था। तो पढ़ाई का तरीका ऐसा है, देखो यार ये एक लैंग्वेज है, ये कोई मैथमेटिक्स या फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं है जो हिस्ट्री हो बायोलॉजी हो कि आप रट्टा मारो या पढ़ो तो आ जाए, ये लैंग्वेज है। तो इसको कैसे पढ़ना है कि जैसे आपकी बुक्स है तो उसको आपको पेपर पलटा के नहीं पढ़ना कि यार कंटिन्यूसली आप पढ़ो पढ़ते जाओ, वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, आप भूल जाओगे। आपको ऐसे पढ़ना है जब आप किसी जैपनीज से बात करते हैं, जब उस टाइम पे आप कुछ किसी को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जब उस टाइम पे आप बोल नहीं पाते तो उसको आप सोच के रखिए और उसको आप अपने रूम पे जाके आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। हर जगह बुक्स अवेलेबल नहीं होती, आपके पास मोबाइल होता है, फोन होता है, तो आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको वैसे पढ़ना है, अब कभी जब भी कहीं पे अटकते हैं किसी से बात करने के लिए आप उसको जाके पढ़िए। अब जब एक बार उसको आप भूलोगे ना जब चीज, और उसको जाके पढ़ोगे, कभी भी नहीं भूलेगा भाई ये मैंने खुद अप्लाई किया है, कभी भी नहीं भूलता। जब हम बुक्स के पढ़ते हैं फिर कभी अप्लाई करना चाहते हैं तो बुक्स वाला भूल जाता है, बट जब किसी से बात करके जाते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करके जाते हैं, जब उसको पढ़ाई करते हैं वो कभी भी नहीं भूलता। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ना कि आपको पेज पलटा के पढ़ना है, बस एक्सपीरियंस लो, जो चीज समझ में नहीं आई, जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पाए उसको आपके जाके पढ़िए। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। और एक चीज बताता हूँ, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका जब पढ़ाया हमें समझ में नहीं आता, जब ग्रामर पढ़ाते हैं कोई, जब वर्ड जोड़ के सेंटेंस बनता है तो वो वर्ड कहाँ पे कैसे ऐड हो जाता है, क्यों ऐड होता है, तो वो टीचर्स हमें बताते हैं, बट वो हमें लैंग्वेज आती ही नहीं है तो हमें वो समझ में आता नहीं है कि कैसे होता है। तो एक बात बताता हूँ कि ये मुझे भी नहीं पता था, 10-11 लेसन तक मुझे भी नहीं पता था, और जब मुझे पता लगा तो मैं दूसरों लोगों से पूछा तो उनको भी तब तक नहीं पता था। तो मैंने 2-4 लोगों को बताया, और शायद आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा, या जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि जब आप जो वोकैब की बुक्स होती है ना, जब वोकैब पढ़ते हैं, जो ग्रामर जो वर्ड यूज करके पढ़ाए जाते हैं, तो वो उसके वो लेफ्ट साइड में ना पूरा डिटेल में लिखा होता है उसका, कि उसका क्या मीनिंग्स है, क्या मतलब है, उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन और डिफिनेशन सारी लिखी होती है। तो आप उसको एक बार जरूर देखें, वो बहुत कम लोगों को पता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये, तो उसको जरूर पढ़ें। और देखो वो पूरा यार इंग्लिश में होता है, इंग्लिश की बुक होती है, तो यार अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा इंग्लिश तो सीखनी पड़ती है, बट इंग्लिश नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है, उसको यार आप फोटो खींचो, गूगल ट्रांसलेट मारो, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में सीखो, जब जो टीचर्स का पढ़ाया पढ़ेंगे, और फिर जब नहीं समझ में आया, जब आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो अपनी लैंग्वेज पढ़ने के बाद जब टीचर्स पढ़ाएगा ना 100% आपको आएगा।
तो उसको आप जरूर पढ़िए, तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिलती है। मैंने भी यही जब पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता, तो वहां से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे फिर समझ में आने लगा। तो ठीक है गाइस, ये थी यार टॉप 3 टिप्स जो कि मैंने खुद अप्लाई करके मैंने खुद सीखा है। और आज मैं मतलब कि ज्यादा अच्छी तो नहीं, पर हाँ इतनी अच्छी लैंग्वेज तो बोल लेता हूँ कि यार मैं अपनी बात किसी को बता पाता हूँ और किसी की समझ पाता हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी ही जरूरत होती है। तो अगर आपका यार कोई क्वेश्चन है जापान से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम में या फिर इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।